किसान भाइयों, मैं आज आपको एक ऐसे किसान से, ऐसे वैज्ञानिक से मिलवा रहा हूँ जो किसान भी हैं, बहुत नए नए आविष्कार भी करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा अपना परिचय दो आप। सर, मेरा नाम राकेश कुमार है, शोल्दे का रहने वाला हूँ जी, और फादर का नाम श्री महाराज सिंह है जी। शोल्दा में लोग वैसे भट्टे वालों के नाम से हमें जानते हैं जी। तो हम लोगों का मेनली काम नर्सरी का है, प्लांटेशन का जी। तो ये मेरा शौक है कि मैं नई नई चीज़ें बनाता रहता हूँ, और किसी भाई को लाभ होता हो तो मुझसे आके जानकारी ले सकता है। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं भाइयों। ये देखो, इन्होंने एक स्प्रे मशीन है इनकी, और इससे क्या क्या करते हैं, कैसे बनाई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसका सेट आपने बहुत नीचा लगाया, बड़े पहिए भी लगा सकते थे। हाँ सर, बड़े पहिए हम लगा सकते थे, लेकिन जितने हम हाइट पे लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंची हो जाती है। अच्छा। जिससे पलटने का खतरा रहता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए एक नीचा, क्योंकि मेरे पास में सोनाली का ट्रैक्टर है, छोटे वाला, तो उसके अंदर ये नीचे ही अटैच हो जाता है, और ये सारा हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो ये हिचका कुंदा है इसका? हाँ जी, ये हिचका कुंदा है सर। अरे वाह, तो ये पिन लग जाएगी इसमें? हाँ जी सर, पिन लग जाएगी, और इसके अंदर ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। अच्छा, इसमें पीटीओ नहीं चलती इसमें? हाँ नहीं, पीटीओ का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये हाइड्रोलिक कनेक्शन है। अच्छा जी। इन्हें QRV बोलते हैं, क्विक रिलीव वाल्व्स जी। और ये उसके अंदर, जैसे सिलेंडर हम लगाते हैं जी जी, तो ऐसे ही हम लगा देते हैं उसके अंदर जी, और लगा के ये मोटर रन हो जाता है। उसके अंदर लीवर है जी, और इसे उल्टा चाहे उल्टा, सीधा चाहे सीधा, किधर कोई। अच्छा, हाइड्रोलिक से घूम जाते हैं? हाइड्रोलिक से घूमता है ये सारा। हाइड्रोलिक काम तो उठाने गिराने का, ये चक्कर कैसा बनता है? ये क्या होता है सर कि बेसिकली प्रेशर होता है। अच्छा। तो जितना भी पंप है, वो कई तरीके के पंप हैं, अलग अलग ट्रैक्टर में वेन पंप होते हैं, या आपके पिस्टन पंप हो गए, या आपके जो है हैं कई सारे, मैं नाम स्लिप कर रहा हूँ। तो उनसे प्रेशर हमने लिया जी, और तेल का प्रेशर लेके हमने इस मोटर के अंदर यूज कर लिया। सही मोटर ही है ये? मोटर है जी, हाइड्रोलिक मोटर। अच्छा, पीटो ना घुमा के ये मोटर एक घूम जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसे हमने यूज कर लिया, इसके प्रेशर को यूज कर लिया हमने। अच्छा, ये यहाँ से ये चल गई मशीन? हाँ जी, इसकी ये चल गई, ये रन हो गया, और उससे सप्लाई आपने, अब ये है ही आपका पीछे पाइप। तो ये आपने कहीं, मतलब किससे लिए सारे अपने आप? नहीं, टोटल काम सर, वेल्डिंग वगैरह भी सर यहीं पे जो है, फ्रेम व्रेम सब फ्रेम टोटल। ये बस मैंने ये सेंट्रो गाड़ी का पिछला हिस्सा, ये वाला। अच्छा अच्छा। ये सेंट्रो गाड़ी का ये ले लिया पिछला, इसका धुरा वगैरह सब, ये धुरा उसका है बस, फ्रेम यहाँ। और ये पीछे क्यों लगाया, इसमें क्या बांधते हैं? ये पीछे ऐसा है, बाई चांस आपको ट्रॉली लेके जानी है। अच्छा। मेरे पास एक छोटी ट्रॉली भी है जी, तो वो भी जोड़ लिया आपने उसी के अंदर, इसलिए दूसरा ही चला। तो इसमें अंदाजा कितना खर्चा आ गया होगा? ये सर टोटल खर्चा हम लगाए, सबसे ज्यादा कीमती ये आइटम है, ये 15,000 का है, 10,000 का ये है। अच्छा, तो 15 और 10 25 ये हो गए, और जी 3,000 का ये, 25 3 28 35,000 रुपए का जी। अच्छा, कुछ किसान इसे 5,000 का बताते हैं, वो सस्ते वाला जी होता है? जी हाँ, लेके 3,000-3,500 से शुरू होके। और ये कौन सी कंपनी का? ये सर SP कंपनी है, पंजाब की है। ये महंगा पड़ता है? ये महंगा पड़ता है। अच्छा। वरना ये पंप सस्ते भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा। ये मुश्किल से मुश्किल 20,000 रुपए में बन जाएगी आपकी। अच्छा, लेकिन ये आपने अच्छी क्वालिटी का सामान लगाया सर, लगाया है, इस वजह से कॉस्ट। तो ये तो बड़े ट्रैक्टर फिट हो जाएगा, कहीं भी लगा लीजिए आप। तो आपको पीटीओ वाला लाभ अच्छा लगा या प्रेशर वाला ठीक लगा? सर ये वाला इस वजह से अच्छा है कि इसके अंदर एक बार पैसा लगेगा, और ये मेंटेनेंस फ्री होता है हाइड्रोलिक, क्योंकि अच्छा। इसके अंदर चिकनाहट हमेशा बनी रहती है। तो RPM कैसे, वो तो ट्रैक्टर की रेस के हिसाब से RPM घटते बढ़ते हैं क्या? हाँ सर, वो जो है मोटर उसी हिसाब से लगानी पड़ेगी, वो कैलकुलेट करना पड़ता है जो है। अच्छा। हमें कैलकुलेशन करके उतने ही पाइपलाइन देनी पड़ती है, उसी हिसाब का मोटर लगाना पड़ेगा, हमें फ्लो देखना पड़ेगा उसका, कितना फ्लो आ रहा है और कितने नंबर का तेल पड़ा हुआ है। तो ये मोटर कहाँ मिलता है जिस तरह? ये मोटर सर चावड़ी बाजार दिल्ली मिलते हैं। अच्छा, अगर कोई किसान बनाना चाहे तो आपसे? हाँ, संपर्क कर सकता है सर। तो किसान भाइयों, मैं इन भाई साहब का नंबर दूंगा, और आप थोड़ी बहुत जो भी आपको मतलब जानकारी में कमी रहेगी, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये किसान भाइयों, दूसरी ये इन्होंने क्रेन बनाई है, अपने आप ही देखिए आप, ये देखो ट्रैक्टर पे बनाई है। तो ये ट्रैक्टर अपना था? ये ट्रैक्टर सर खरीदा है। अच्छा, खरीदा कौन सा जी? ये है जी चेकोस्लोवाकिया वाला है, जीटर 2011-2025 ये था जी, 2011। अच्छा जी, ये 2011 ट्रैक्टर है, चेकोस्लोवाकिया का इंपोर्ट हुए थे ये,
और तो ये कहीं बनवाई, ये भी आपने अपने आप बनाई? टोटल सर सब काम अपना है, वेल्डिंग वेल्डिंग सब, वेल्डिंग सब टोटल काम अपना। अच्छा, ये धुरा भी अगला लगवाया आपने? ये धुरा आर्मी की एक कंपनी वो था, उसमें से निकाला हुआ टैंकर उनका। अरे बाप रे, आर्मी का टैंकर था, उसमें से निकाला हुआ। तो ये क्या सोच के बनाया आपने, क्या करना चाह रहे थे? ये सर हमें, जैसे ये आप पीछे पेड़ देख रहे होंगे, हाँ जी, इस तरीके के पेड़ शिफ्ट करने होते हैं। अच्छा, मैंने YouTube पे देखे भी दोस्तों में है, मतलब उखाड़ कर। नहीं सर, हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, मैं नर्सरी पे लेके चलूंगा आपको। अच्छा, तो हमारे यहाँ इस तरीके के बड़े दरख्त तो उठाए जाते हैं। अच्छा जी। तो मैनुअली वो उठते नहीं जी, हैड्रा आप बुलाएंगे तो कम से कम करीबन 6,000 रुपये एक दिन में खर्च हो जाते हैं हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये डिजाइन करके मैंने ये सारी की सारी तैयार कर दी। तो ये कितना वजन उठा लेती है जी? ये सर मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 टन वजन के लिए बना रखी है। लेकिन एक कमाल है जी, देखो जैसे आप आगे से कर दिया, ना तो पीछे से उठेगा ना आगे से उठेगा। ना 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 सर, इसकी लंबाई बना के जो आपने सेटिंग की है इसकी। हाँ हाँ, टेक्निकली फुल साउंड है सर ये। भाई वाह, विंच इसमें सर यहाँ देखिए, यहाँ दी गई है जी जी, क्योंकि यदि हम विंच ऊपर देते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर बढ़ जाती जी जी, तो विंच हमने नीचे दे दी और रस्सा यहाँ से निकाल के अंदर ले गए बीम के जो है। भाई वाह, ये देखो जी हैवी पंप है बहुत ज्यादा। तो ये जो प्रेशर, ये जो पंप है, ये कोई मतलब? ये सर L&T कंपनी का है, जो पोकलेन होती है चैन वाली। अच्छा, उनका सबसे छोटा पंप है ये जो है। चलिए, तो बड़ा महंगा होगा ये सर। यदि आप बनवाएंगे नया इंडिया का तो 60,000 रुपये का है। बापरे। और यदि हमने ये 10,000 रुपये में लिया था और 10,000 में इसे रिपेयर करा के पंजाब सरहंद से जी, तो इसकी रिपेयर करा दी, बस फिट है। और ये ट्रैक्टर मतलब लोड नहीं मानता बिल्कुल भी? ना 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 सर, ऐसा होता है RPM जब डाउन कर दोगे किसी भी चीज के जी, तो टॉर्क बढ़ जाएगा। तो ये स्टार्ट है वैसे? हाँ स्टार्ट है सर। दिखा सकते हो ऊपर नीचे करके? नहीं सर, मुझे बैटरी रखनी पड़ेगी। अच्छा, बैटरी नहीं है इसमें? हाँ, चलो कोई बात नहीं, बैटरी रखनी पड़ेगी। प्रेशर का काम तो सारा जो है पावर यहाँ की है ना। अच्छा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से कपलिंग को लगा दी और यहाँ से दिया है प्रेशर? हाँ जी, यहाँ से प्रेशर देके और सप्लाई वहाँ चली गई हमारी जी जी, लीवर में बस वहाँ आदमी बैठा हुआ है। अरे वाह, स्टीयरिंग के ऊपर ही नहीं, हाँ यहाँ बैठा हुआ स्टीयरिंग की लोड, स्टीयरिंग के साथ ही मतलब। अच्छा, घुमाओ ना ये सर, ये लीवर आ गया। अच्छा, इससे घुमाओगे? ये लीवर आ गया और आप उस साइड में आ जाएं जी जी, आप उस साइड आए। अच्छा, पीछे वेट रख दिया, क्या हो सकता बड़ी? यदि सर क्या होता है कि यदि 2 टन से ज्यादा होगा तो ये पीछे से उठना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वेट इस वजह से है, और बढ़ाना चाहेंगे ये सर नीचे देखिए। हाँ, ये मोड़ने के लिए दोनों वाही लगा दी। ये यहाँ नीचे जैक आ गया मोड़ने के लिए आपका जो है। ऐसे ही पल्ली तरफ है? नहीं, सिंगल पही है। एक से मोड़ देता है? एक से ही मोड़ देता है। भाई वाह, ये खींच भी लेगा और धकेल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये किसान भाइयों देखिए, एक किसान का दिमाग, तो आपने कहीं कोर्स वगैरह किया कैसे जी? नहीं सर, हम लोग टीचिंग में थे तो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाते हैं जी, तो जो चीज पढ़ाते हैं सर उसका एप्लीकेशन किया है बस, ये है। तो इसमें कितना खर्चा होगा अंदाजा? ये सर अंदाजा ये मान के चले 3.5 लाख रुपए इसमें खर्चा आ गया। हाँ, तो आपको विश्वास था कि 3.5 लाख बेकार नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे सर, पूरा विश्वास था सर, मतलब कोई बात ही नहीं है सर, ये तो कॉन्फिडेंस था अपने। हाँ सर, सब्जेक्ट पूरा क्लियर है। हाँ, देखो रिस्क भी था पैसा लगाना। हाँ जी भाई साहब, तो किसान भाइयों देखिए, वहीं पकड़े पहुंचा भाई साहब, मैं 5 मिनट में पहुंचा, मैं पहुंचता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। थैंक यू, नमस्कार।